मतलब हाँ, इसे कहते हैं परफेक्ट प्रो, क्योंकि परफॉर्मेंस में ये प्रो होने वाला है। ये है पोको का X3 प्रो। तो कैसे हो, सब सही है? तो आज हम बात करने वाले हैं पोको के X3 प्रो के बारे में, मतलब परफॉर्मेंस, इसका पोको ने नाम दिया है। और हाँ, प्रो में परफॉर्मेंस आपको बहुत ही कतई जहर वाला होगा। मतलब पोको का X3 प्रो आपको सिमिलर दिखने वाला है X3 जैसा। हाँ, थोड़ा मोड़ा स्पेसिफिकेशन को इंक्रीज किया गया है और डिक्रीज किया गया है, लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस में आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। और जिस प्राइसिंग में पोको इसे डिलीवर करने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होगा। मतलब 15 से 20 हज़ार के अंदर ये फ़ोन होने वाला है, और जो परफॉर्मेंस निकालेगा वो गेमिंग के लिए, डे टू डे यूज में आप सभी को बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। तो बस करना कुछ नहीं है, वीडियो को टिल द एंड देखो यार, आपका ही वीडियो है। और हाँ, वीडियो में मजा आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, आपकी जरूरत है हमें। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को भी टन से बजा दो। तो चलो फिर शुरू करें। हाँ तो फ्रेंड्स, पोको का X3 प्रो ये फोन 30 तारीख को इंडिया में आने वाला है। मतलब हाँ, कुछ दिन बचे हुए हैं इस फोन को लॉन्च होने के लिए, और फोन ना बहुत ही कमाल का पावर डिलीवर आपको करने वाला है जिस प्राइसिंग में आएगा। बात करते हैं, ये सिमिलर फोन होने वाला है X3 जैसा दिखने को मिलेगा, इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा, लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस में बहुत ही मेजर चेंजेस होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले से ऊपर, तो देखो डिस्प्ले सिमिलर होने वाला है X3 जैसा, 6.67 इंच का फुल HD प्लस वाला 120 हर्ट्ज का IPS डिस्प्ले, साथ में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होने वाला है। हाँ, डिस्प्ले में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। और हाँ, डिस्प्ले का जो टच सैम्पलिंग रेट होने वाला है वो 240 हर्ट्ज का होगा, वो मैं बताना भूल गया था। मतलब डिस्प्ले बहुत ही मस्त होने वाला है इस फोन के अंदर, साथ में गोरिल्ला ग्लास 6 का भी कोटिंग होगा, जो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है पोको की तरफ से। ये फोन आपको यूरोप के अंदर लॉन्च हो चुका है और बहुत सारी कंट्री में लॉन्च हो चुका है, और जिस प्राइसिंग में आता है वो आप सुनोगे ना, आपको ये शॉक लग जाएगा। लेकिन मेजर चेंजेस आपको किया जा रहा है बैक साइड के कैमरा में। मतलब कैमरा को पता नहीं क्यों ये लोग डाउनग्रेड कर दिए। हाँ, 48 MP का आपको क्वाड कैमरा मिल रहा है। बात करते हैं अगले फीचर के ऊपर, जो है UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप होगा, जो बहुत ही कमाल का रीड एंड राइट स्पीड निकाल के देगा इस फोन के अंदर, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। हाँ तो फ्रेंड, बात करते हैं इस फोन के बैटरी डिपार्टमेंट के ऊपर। मतलब इन्वर्टर इसमें बहुत ही ज्यादा बड़ा यूज किया गया है, 5160 mAh का इसका बैटरी है, जो बहुत ही लंबा आपको बैटरी बैकअप निकाल के देगा। 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आने वाला है, जो बहुत ही अच्छा खासा आपको चार्जिंग स्पीड है, जो आपको क्विकली आपके फोन के बड़े बैटरी को चार्ज करने में मदद कर देगा। बात करते हैं इस फोन के अब परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के ऊपर। परफॉर्मेंस के लिए ये फोन जाना जाने वाला है, क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 860 का प्रोसेसर होने वाला है। पिछले बार आपको 732G मिला था, इसमें 860 मिलने वाला है। मतलब छलांग बहुत ही लंबा मारा गया है पोको की तरफ से, और ये एक ना 4G प्रोसेसर है। ऐसा मत सोचना कि 5G होने वाला है इसमें, नहीं, ये एक 4G प्रोसेसर है, लेकिन पावर बहुत ही कमाल का डिलीवर करने वाला है ये पोको का X3। मतलब गेमिंग खेलो नॉर्मल डेज में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आपको पावर निकाल के दे देगा। मतलब ये फोन आपको उन लोगों के लिए भी बेटर हो सकता है जो एक डाई हार्ड गेमर है, या उन लोगों के लिए बेटर हो सकता है जिन्हें एक लंबी बैटरी चाहिए। हाँ, मतलब ये फोन ऑलराउंडर होने वाला है। हाँ तो फ्रेंड, बात करते हैं इस फोन के रैम वेरिएंट के ऊपर। तो ये फोन आपको यूरोप के अंदर दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 6GB की रैम, 128GB स्टोरेज, और 8GB की रैम, 128GB स्टोरेज के साथ में। बेस वेरिएंट का प्राइसिंग आपको निकल के आया है 17,000 रुपए। जी हाँ, इस प्राइसिंग में आपको पोको दिल रहा है 17,000 रुपए में स्नैपड्रैगन 860, जो बहुत ही कमाल की प्राइसिंग है ना। मतलब हाँ, मेरे को देखने में ये फोन बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, और इसका फ्यूचर ना मेरे को अभी से ब्राइट दिख रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको ये पोको का X3, जरा कमेंट कर देना। हाँ, आपका कमेंट बहुत ही मैटर करता है। हाँ तो बताओ कैसा लग रहा है आपको पोको का X3, और क्या लगा आपको Realme 8 के बारे में। हाँ, 8 सीरीज लॉन्च हुआ है, और उस पर मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाया, नहीं देखा काट आ रहा होगा, देख लो। मतलब 8 और 8 प्रो ने तो तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया 17,000 में ये फोन यूरोप के अंदर लॉन्च हुआ, और जब ये इंडिया में आएगा तो हो सकता है इसकी प्राइसिंग 16 से 17,000 होने वाला है, क्योंकि ये आपको ही मालूम है यूरोप के अंदर थोड़ा फोन महंगा लॉन्च होता है, और इंडिया में ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ में आने वाला है। और ये फोन ना सच में बहुत ही बड़े बड़े फोन को टक्कर दे सकता है। हाँ, असली में ये प्रो है। मतलब पता नहीं इस फोन के बैक कैमरा को क्यों कम कर दिया गया है, 64 से 48 बना दिया गया है। मतलब हाँ, परफॉर्मेंस बढ़ाने के चक्कर में क्या कैमरा में ही आपको काटना था। हाँ तो कुछ इस तरह का पोको का X3 निकल के आया है। हाँ तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का आने वाला है पोको का X3। कैसा लगा आपको ये फोन, जरा कमेंट कर देना, अपने भावनाओं को व्यक्त करो यार, कमेंट में आपके लिए खुला पड़ा है। तो वीडियो में हल्का सा मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और घंटी बटन को टंग से बजा देना। मतलब हाँ, बजाओ यार, आपका जरूरत है हमें। और हाँ, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आओ, जैसा कि मैंने बताया खुला पड़ा आपके लिए। तो ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाई फाई।